हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनक्स थिंग्स में। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइनक्स के न्यू अपडेट के बारे में, जो अभी आया है 2020.3 वर्जन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है काली के लिए, क्योंकि इसमें हमें ना बहुत से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैश शेल को चेंज करके जी शेल में बदल दिया गया है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ, पूरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि अब नोकिया का मोबाइल नहीं है मेरे पास। नेट हंटर वगैरह ऐसे बहुत से हैं, लेकिन उनके बारे में आपको बता दूंगा थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरा एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैं आपको मेरा वर्जन दिखा देता हूँ। मैंने पुराने वाले वर्जन को ही चेंज किया है, न्यू में मतलब अपग्रेड कर लिया। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप न्यू में कैसे चेंज करें। उसके लिए कमांड डालें, apt-get अपडेट यहाँ पे जो भी अपडेट होगा ये अपने आप चेक कर लेगा और उसके हिसाब से आपको अपडेट कर देगा। तो मेरे में अभी कुछ अपडेट बाकी थे तो वो हो रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इसी तरह से कमांड है apt-get full upgrade, ओके, और हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो ये दो कमांड डालने के बाद में आपकी काली पूरी अपग्रेड हो जाएगी न्यू वर्जन में। तो मैं आपको अभी वर्जन भी चेक करके दिखा दूंगा, पहले ये अपग्रेड हो जाती है मेरी काली। तो यहाँ पे मेरे पैकेज कॉन्फ़िग हो रहे हैं थोड़े, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो ये अपग्रेड हो गया है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेक करने के लिए /etc/os-release, तो आप देख सकते हैं मेरा 2020.3 वर्जन यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं जी शेल के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा जी शेल के बारे में बता देता हूँ। जी शेल एक बहुत ही पावरफुल शेल है। बैश शेल को चेंज करके जी शेल में बदल दिया गया है, जिसका लुक हमारा पैरेट ओएस था ना उसकी तरह दिखता है। उसका कुछ जो शेल है ना वो पैरेट ओएस की तरह है, दिखता है। ओके, ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है बैश शेल से। अगर कंपैरिजन करें तो जी शेल बहुत ही पावरफुल है। जी शेल का ना हम पूरा इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, यानी कि मतलब पूरे काली को हम कस्टमाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से। हमें इसमें बहुत से आइकन भी चेंज देखने को मिलते हैं, आइकन्स भी दिए गए हैं इसमें हमें, ताकि हमारे इसकी लुकिंग अच्छी लगे, देखने में अच्छा लगे। तो पहले मैं इसकी कमांड डाल देता हूँ, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ जी शेल में इसको। तो उसके लिए हमें पहले कमांड डालनी पड़ेगी। तो हम ये कमांड डालने के बाद जी शेल में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये कमांड डाल रहा हूँ जिससे कि हमें हाइलाइटिंग फीचर्स मिलते हैं, ऑटो सजेशन के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो मैं ये करने के बाद मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम ये कमांड डालते हैं, तो आप ये कमांड देख ले और अपने काली में डाल दे अगर आपको जी शेल चाहिए है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी तीनों पैकेज हैं, इंस्टॉल हो गए हैं। ओके, अगर आपके पास नहीं होंगे तो इंस्टॉल होगा यहाँ पे, मेरे पास पहले से है तो इसने इंस्टॉल दिखा दिया मेरे में। ओके, अब नेक्स्ट कमांड डालते हैं अपन। इसकी एक दो फाइल है जो कि हमें रूट में कॉपी करनी पड़ेगी, तो हम चलते हैं cd etc। तो हम यहाँ पे आ गए और एंटर प्रेस कर देंगे और ls करेंगे। तो ls से इसमें कुछ हाइड फाइल्स होती हैं जो कि हमें शो नहीं करने वाला, तो हम ls-a करेंगे तो हमें सभी फाइल शो कर देगा ये। तो हमें इसमें से हमें एक फाइल कॉपी करनी है, zshrc वाली, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे रूट में। तो इसके लिए cp कमांड का यूज करेंगे हम, cp.zshrc, और हमें किस में कॉपी करनी है, रूट में। तो हम पार्ट डाल देंगे रूट। तो अब हम रूट में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल आ गई है यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसे चेंज करते हैं। मैं cd करता हूँ पहले से, और अब हम इसे जी शेल में चेंज करते हैं। तो उसके लिए कमांड है zsh, ये टेम्परेरी कमांड है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है, मैं इसको क्लियर करता हूँ और ऊपर लेके आता हूँ। तो जी शेल हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। ताकि आप सभी अच्छे से देख पाओ, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। मैंने बोला था ना पैरेट की लुकिंग आती है इसमें, तो ये पैरेट कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा, पैरेट
जो ओएस है वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब ये तो था इसका टेम्परेरी मेथड। अगर मैं एक न्यू शेल खोलूंगा ना, जैसे कि मैं इसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ टर्मिनल को, तो ये हमारा दोबारा बैश शेल में चेंज हो जाता है। तो इसको परमानेंट कैसे बनाए जी शेल को? तो अभी हमारे में ये एक बाय डिफॉल्ट नहीं बनाया गया है जी शेल को, बाय डिफॉल्ट तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2020.4 आएगा ना उसमें जी शेल को ही बाय डिफॉल्ट दे दिया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे जाना, तो मैं यहाँ पे डी ई करूंगा और टैब मारूंगा ना, तो डी ई से जितने भी फोल्डर्स जो भी है ना वो हमें सभी शो कर देगा। और जैसे कि एस के लगाता हूँ तो डेस्कटॉप, और एंटर प्रेस करना है तो हम आ गए डेस्कटॉप पे। तो पीडब्ल्यूडी करके मैं आपको पांच चेक कराते, तो अपन रूट और डेस्कटॉप पे है। तो इसमें और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अपन एमएस ऑफिस में अगर कुछ गलत लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, अगर वो करेक्ट होता है तो उसका रंग मतलब जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपको यही बता दिया कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी बात कर ली, और आगे भी अगर मेन की कमांड वगैरह के बारे में थोड़ा जो भी चेंज हुआ है ना वो आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे अपन जी शेल के अंदर। ओके, तो अब बात करता हूँ मैं इसमें विनकैक्स, जो कि जो विंडो में डब्ल्यू एस एल यूज करके अपना काली यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ से जो काली है ना, अब ग्राफिकल मोड में हम यूज कर सकते हैं इसको सीधा, तो इसलिए काली कैक्स दिया गया है। ये विंडो यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो कि अपने विंडो में ही वर्चुअल बॉक्स वगैरह यूज ना करके WSL2 का यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है ये न्यू अपडेट में। तो काली कैक्स में ये बताया गया। ओके, तो हाई डीपीआई, ये जो मतलब टेक्स्ट वगैरह नहीं दिखते थे स्टार्टिंग में अपन इंस्टॉल वगैरह करते थे, तो हाई डीपीआई उसके लिए दिया गया है। तो अब बात करते हैं ब्लूटूथ आर्सेनल की, ठीक है। ये फीचर्स है ना जो नेट हंटर यूज करते थे ना उनके लिए दिया गया है, क्योंकि वो अलग से तो अपने मोबाइल में कुछ डिवाइस लगा नहीं सकते थे ऑडियो के लिए। हाँ, जो नेट हंटर था ना वो इंटरनल डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए अब उसमें ऐसा कुछ ये ब्लूटूथ आर्सेनल दिया गया है जो कि वो इंटरनल को भी सपोर्ट कर लेगा। जैसे कि हमें इंजेक्शन ऑडियो देना होता था या स्पूफिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ब्लूटूथ आर्सेनल का। एक नोकिया वालों के लिए अपडेट आया है जो कि नोकिया मोबाइल यूज करते हैं नेट हंटर बोल के, ये अब काले को उसमें यूज कर सकते हैं नोकिया फोन्स में। तो यही कुछ अपडेट थे काले में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।